दोस्तों, आज से पहले आपने कई तरीके के गुलाब जामुन खाए होंगे। मावा के, मिल्क पाउडर के, इस तरीके से बने हुए गुलाब जामुन ना आपने कभी देखे होंगे और ना ही खाए होंगे। दोस्तों, इस रेसिपी में इंग्रेडिएंट्स बहुत ही कम है, बहुत आसानी से बन जाती है और रिजल्ट एकदम A1 है। तो दिवाली पे इसको बनाना तो बिल्कुल बनता है। दोस्तों, सूजी के गुलाब जामुन के सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने मंगवाए हैं जेप्टो से, और जेप्टो आपके घर की सारी ग्रोसरीज 10 मिनट में ही आपके डोरस्टेप पर डिलीवर कर देता है। फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स, 5000 से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है जेप्टो पर, नो मिनिमम ऑर्डर, और वो भी बेस्ट प्राइसेस पर। आजकल रीसेंट टाइम्स में तो मैं जेप्टो से ही अपना सारा सामान मंगवा रहा हूँ। तो अगर आपको इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए तो आप जेप्टो से सारे इंग्रेडिएंट्स मंगवा सकते हो। बस आप टॉप राइट वाले लिंक पर क्लिक करना और ऑर्डर करते वक्त मेरा कूपन कोड जरूर यूज करना, भरत10, आपको 10% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब सबसे पहले शुरू करते हैं चाशनी से। इस रेसिपी में थोड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पैकेट से चीनी निकाल ली है और आपने लगभग 750 ग्राम या 4 कप तक चीनी की चाशनी बनानी है। थोड़ी क्वांटिटी आपको ज्यादा लग रही होगी, लेकिन अभी आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों है। आप इसमें 600 ml या 3 कप तक पानी डालना। पानी थोड़ा ज्यादा रखना है चाशनी में, क्योंकि सूजी जो है वो बहुत पानी पीती है, और उसको सॉफ्ट करने के लिए यहाँ पर आपको चाशनी जो है वो थोड़ी सी पतली बनानी है। ध्यान रखना इस बात का दोस्तों। जैसे ही पानी में उबाला आने लग जाए आप स्टर करना, और चीनी जब तक अच्छे से घुल नहीं जाती तब तक आप पकाना बस। फिर आप यहाँ पर बहुत थोड़ा सा नींबू का रस डालना, ताकि जो चाशनी है उसमें क्रिस्टलाइजेशन ना हो। फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर इलायची का पाउडर डाला है, और खुशबू के लिए मैंने यहाँ पर केसर डाला है, जो कि यहाँ पर एक बहुत बढ़िया रंग भी देगी। और बस आपने तब तक पकाना है जब तक कि चाशनी जो है वो तेल जैसा फील नहीं होने लग जाती। आप बस 5 मिनट और पकाना हाई फ्लेम पर। आपने यहाँ पर कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी, पतली चाशनी बनानी है दोस्तों। तो पतली चाशनी ऐसी होती है कि आप करछी डालोगे तो करछी का जो बैक साइड होगा ना, उसमें आप देखो एक पतली सी लेयर बन रही है। ऐसी चाशनी आपको चाहिए दोस्तों। ध्यान रहे, तार वाली चाशनी नहीं, एक पतली चाशनी आपने बनानी है। और गुलाब जामुन बिना गुलाब जल तो अधूरे ही है, तो आप यहाँ पर चाशनी में एंड में गुलाब जल जरूर डालना। अच्छा, बात कर लेते हैं कि गुलाब जामुन बनाने कैसे हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप सूजी ली है। आप यहाँ पर कोई भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हो। फाइन वाली सूजी होगी तो थोड़ा बेटर रिजल्ट आता है। बस जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आपने सूजी को बहुत अच्छे से एकदम फाइन पीसना है। दोस्तों, अगर आप सूजी नहीं पीसोगे, ज्यादा फाइन नहीं पीसोगे, तो जो आपके गुलाब जामुन है वो दानेदार, वो दरदरे से बनेंगे। बिल्कुल फाइन पीसना आप सूजी को, यानी कि 2-3 मिनट तो इसको मिक्सी को अच्छे से चलाना हाई पर, ताकि एकदम पाउडर बन जाए। ये देखो एकदम फाइन पाउडर। और अब पैन में, आप यहाँ पर अभी गैस ऑन मत करना, आप यहाँ पर अभी 0.5 लीटर फुल क्रीम दूध डालना, यानी कि भैंस का दूध आपने यहाँ पर डालना है। इसमें थोड़ा फैट डालने के लिए, ताकि गुलाब जामुन अंदर से सॉफ्ट हो, आप यहाँ पर 1/4 कप यानी कि 3 टेबलस्पून भर के देसी घी डालना, और इसको अच्छे से पहले मिला लेना। और अब आपने यहाँ पर धीरे धीरे कर जो पिसी हुई सूजी है ना वो डालनी है। ध्यान रहे दोस्तों, अभी गैस ऑन नहीं है, बिना गैस ऑन करे आपने ये सारी चीजें करनी है। अगर आप गैस ऑन करके करोगे तो सूजी जो है वो फूल जाएगी और आपके गुलाब जामुन दाने दाने वाले बनेंगे। तो बिना गैस ऑन करे आप यहाँ पर धीरे धीरे करके एक विस्क से अच्छे से दूध और घी में सूजी को मिला देना, और फिर बाइंडिंग के लिए आप यहाँ पर लगभग 0.5 कप या 6 टेबलस्पून तक मैदा यहाँ पर डालना। इसको भी बिना गैस ऑन करे अच्छे से मिला देना। ध्यान रहे दोस्तों, लम्स नहीं होने चाहिए। फ्लेवर के लिए आप इसी बैटर में थोड़ा सा गुलाब जल डाल देना, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ये सारी चीजें जब आप अच्छे से मिला दोगे तो फिर आप यहाँ पर गैस को ऑन करना और गैस को लो फ्लेम पर रखना, और आपने धीरे धीरे करके इसको चलाना है। दोस्तों, क्या होगा कि इसमें इतना स्टार्च है सूजी का कि वो फूलने लगेगा और गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा। मुश्किल से 2 मिनट आपको लगेंगे, और 2 मिनट में ही ऐसा होने लग जाएगा। आप ये देखो मेरे विस्क में, देखो ये बैटर कैसे एकदम फूलने लग गया और एक डो जैसा सा बनना शुरू हो गया है। आपने यहाँ पर तब तक पकाना है जब तक आपकी सारी सूजी फूल नहीं जाती, मैदा फूल नहीं जाता और एक डो सा बन नहीं जाता। मैंने बीच में यहाँ पर विस्क हटा दिया है, ताकि मैं आराम से मिला पाऊँ और मैश कर पाऊँ, और गुटलियाँ बिल्कुल भी ना बने। ये देखो, आप इस स्टेज तक आपने पकाना है, और जैसे ही ये सारा एक डो जैसा सा बन जाएगा ना, आप यहाँ पर गैस को ऑफ कर देना
और फटाफट से इसको ट्रांसफर कर देना एक परात में, क्योंकि अब आपने इसको अच्छे से मैश करना है। अब ये देखो दोस्तों कितना स्मूथ डो है, एकदम परफेक्ट बना है, जैसे कि खोया होता है बिल्कुल वैसा ही लग रहा है ना। तो आप अच्छे से मैश करना यहाँ पर, और अब अच्छे से मलने के बाद अगर मैं आपको डो दिखाऊं तो आप ये देखो कितना स्मूथ है, बिल्कुल ऐसे चाहिए डो। दोस्तों इस रेसिपी में जो जो गलतियां आपकी हो सकती है मैं वो भी आपको करके बताऊंगा, ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत ना हो। थोड़ा गरम गरम वाले स्टेज पे ही, एकदम ठंडा नहीं होना चाहिए, वार्म वाली स्टेज पर ही आप यहाँ पर सारे गुलाब जामुन पहले कट कर लेना और फिर उनको एक करके एकदम इवनली शेप कर देना। दोस्तों शेप सही से देनी बहुत जरूरी है, नहीं तो गुलाब जामुन में अगर क्रैक्स होंगे तो आपके गुलाब जामुन फ्राई करते वक्त फट जाएंगे। दोस्तों जो टोटल डो मैंने लगाया है वो है लगभग 620 ग्राम का, एक एक जो मैंने गोला बनाया है गुलाब जामुन का वो है 30 से 31 ग्राम का, और टोटल जो गुलाब जामुन बने हैं वो बने हैं एग्जैक्टली 20। ये एक रेफरेंस है ताकि आप जब बना रहे हो तो आपको पता हो कि कितने गुलाब जामुन बनेंगे। बस आप एक गुलाब जामुन की बॉल लेना और उसको अपने हथेली में पहले अच्छे से घुमाना मैश करके, और फिर एक फ्लैट सरफेस पे आप घुमा देना ताकि बिल्कुल इवन गुलाब जामुन आपको मिले, बिल्कुल ऐसा दोस्तों। और जितने बाकी गुलाब जामुन है ना उनको आप ढक जरूर देना, नहीं तो वो सूखने लग जाएंगे और उनमें एक परत सी बन जाएगी जिसकी वजह से वो सही नहीं बनेंगे। बस एक करके मैंने यहाँ पर सारे गुलाब जामुन को शेप दे दिया है और अब इनको फ्राई करना है। ध्यान रहे दोस्तों फ्राई करना है गरम तेल में, तेल गरम होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन गैस जो होनी चाहिए वो एकदम लो टेम्परेचर पर होनी चाहिए, यानी कि आपने इनको फ्राई करना है आराम आराम से, लेकिन जब आप पहले पहले डालोगे तो तेल एकदम गरम होना चाहिए। फ्राई करते वक्त अगर आपका तेल ठंडा हुआ या उसका टेम्परेचर सही नहीं हुआ तो ये गुलाब जामुन फ्राई करते वक्त फट सकते हैं, क्योंकि इनकी बाहर की सरफेस जल्दी सेट होनी बहुत जरूरी है और फिर इनको आराम आराम से अंदर पकाएंगे। तो ध्यान देना दोस्तों, अगर आपके गुलाब जामुन फटने लग जाए तो इसका मतलब तेल का टेम्परेचर ठीक नहीं है। तो आप सारे गुलाब जामुन एक साथ मत डालना, थोड़े से आप डालना ताकि आपको इनको चलाने में आसानी हो। शुरुआत में आप गलती से भी इनको हिलाने की या छूने की कोशिश मत करना, आप देख ही सकते हो मैंने गलती करी भी है। अगर आप शुरुआत में इनको टच करने की कोशिश करोगे तो ये इतने सॉफ्ट हैं कि इनके अंदर एक डेंट आ जाएगा, एक निशान आ जाएगा। तो आप तेल को चलाने की कोशिश करना, और तेल को चलाने से ये हल्के हल्के स्टर होंगे। धीरे धीरे क्या होगा कि गुलाब जामुन तेल में हल्के हल्के ऊपर आने लग जाते हैं। जब इनकी ऊपर की सरफेस पक जाएगी ना, एक लेयर सी बन जाएगी, फिर आप इनको छू सकते हो और तेल को घुमा घुमा के पका सकते हो। गुलाब जामुन बनाते वक्त अगर आपने ज्यादा गुलाब जामुन को छुआ तो उनके टूटने के चांसेस भी हो सकते हैं, ध्यान रहे इस बात का। तो इनको ज्यादा छूना बिल्कुल भी मत, तेल को घुमाने की कोशिश करना, और बिल्कुल वही सही तरीका होगा जिससे आपके गुलाब जामुन सही से बनेंगे। और आप देख ही सकते हो धीरे धीरे करके आपके सारे गुलाब जामुन ऊपर आ जाएंगे। जैसे ही गुलाब जामुन में एक बढ़िया सा गुलाबी सा रंग आ जाए तो बस आप इनको निकालना और सीधा ही आप इनको चाशनी में डाल देना। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है दोस्तों ये कि चाशनी बिल्कुल भी ज्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, ना ही ठंडी होनी चाहिए, हल्की सी वार्म होनी चाहिए। मैं इनफैक्ट आपको ये भी बता देता हूँ कि जब आप गरम गरम गुलाब जामुन फ्राई करके चाशनी में डालोगे ना तो इनका टेम्परेचर धीरे धीरे करके चाशनी का बढ़ जाएगा। तो आप ध्यान जरूर देना इस बात का कि जब आप फ्राई कर रहे हो और जब चाशनी में डाल रहे हो तो डालते वक्त चाशनी का टेम्परेचर ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर आपने गरम गरम चाशनी में डाल दिया तो ये देखो गुलाब जामुन ऐसे डिफ्लेट हो जाएंगे, उनमें ऐसे डेंट आ जाएंगे। तो ध्यान रहे चाशनी जो है वो वार्म होनी चाहिए, लगभग 35-40 डिग्री के आसपास। और बस सीधा ही फ्राई करके आप इनको चाशनी में रख देना लगभग 2 घंटे के लिए। ये देखो कितने बढ़िया तरीके से फूल चुके हैं, और अगर काट कर दिखाऊं तो एकदम सॉफ्ट गुलाब जामुन है दोस्तों। क्या इसमें सूजी का टेस्ट आएगा? सूजी का टेस्ट आएगा तो नहीं, लेकिन रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आएगा दोस्तों। एकदम अंदर तक चाशनी पी होगी, और हाँ थोड़ी सी पतली चाशनी है लेकिन स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा दोस्तों। आप इसको दिवाली में बनाकर देखना, आपको बहुत पसंद आएगा। आई होप दोस्तों आपको सूजी के गुलाब जामुन बहुत पसंद आए होंगे, और इस दिवाली आप गुलाब जामुन जरूर ट्राई करना, वो भी सूजी के। दोस्तों भरत किचन की टीम की तरफ से और जेप्टो की तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली। आई होप बहुत ही प्रॉस्परस और बहुत ही अच्छी दिवाली हो आप सबकी। और अगर आप जेप्टो की ऐप डाउनलोड करना चाहते हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बार में लिंक दिया है, आप जरूर वहां से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।